अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। जी फ्रेंड्स, ये आज एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन तैयार करना है और ये एक डिसेंट सा डिज़ाइन है, तो इसको हम यूं ही इस्तेमाल करेंगे एक मलमल कपड़े के साथ। ये देखिए जेड कलर का हम ये जो शेड तैयार कर रहे हैं, तो इसको अप्लाई करना है सिर्फ जस्ट कपड़े के साथ। इसमें और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक आयल ट्यूब को लेकर आपने जस्ट कपड़े पे लगाना है और उसको अप्लाई करना है उसके साथ इस तरह से। ये बहुत सी यूनिक सा डिज़ाइन है और इसको आप देखेंगे तो देखें कैसा ये खूबसूरत बनेगा। तो इसको जो है ये जो टचिंग ज़रूर करनी होती है, इसको अप्लाई करके जो भी कलर लगाना होता है, इसके बाद हमने मलमल के साथ इसको टचिंग वगैरह लाजमी जो होती है वो करनी है। तो इसके बाद जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे वो है एक वाइपर, जो सफाई करने पानी वाला वाइपर होता है, उसकी हम एक रबड़ को ले लेंगे जो नीचे उसके फोम लगा होता है, उसको निकाल कर थोड़ा सा काट लेना है, एक छोटा सा एक टुकड़ा निकाल कर उसको काट कर, तो उसके साथ हम ये डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो ये देखें, हम आपको वो एक टुकड़ा भी दिखाते हैं, ये जस्ट एक टुकड़ा आपने ले लेना। तो इस फॉर्म के साथ हम नीचे से ऊपर नीचे से शुरू करेंगे, यानी करना ऊपर से नीचे है, लेकिन जो हमारी बेस होगी उसको हम नीचे की तरफ से हमने ऊपर की तरफ जाना है। ये देखें इस तरह से, सबसे पहला स्टेप जो है यूँ हम छोटे तरीके को ये जो छोटी साइड है उसके साथ अप्लाई करेंगे, और इसके बाद जो है वो भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से दूसरा स्टेप जो इसका निकालना है वो भी आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो पूरी देखिएगा, ये हमारा स्टेप तैयार हो रहा है। इसको जस्ट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके ऊपर जाना है, लेकिन शुरू जो नीचे से करेंगे और जो इसका अप्लाई है वो ऊपर से नीचे आप दोनों की तरफ इसको लेके चलेंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम इसका दूसरा स्टेप जो है उसको इसको जो बड़े वाली साइड है उसके साथ अप्लाई करना है। ये साइड, ये एक वाटरफॉल की तरह ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, जैसे कि पानी गिर रहा है ये इस तरह से। ये बहुत ही एक यूनिक सा डिज़ाइन तैयार होगा। और ऐसा मंदी ना बहना ही होते थे।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिज़ाइनिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब हम आ रही करो और